हर किसी की अपनी एक कहानी होती है और ताउम्र जिंदगी के रंगमंच पर हम उस कहानी को जीते हैं। नमस्कार, अल्मोड़ियास डायरी के एक नए पन्ने में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस कहानी की जहां रंगमंच है या फिर कहानियों के रंगमंच की। 3 से 9 जुलाई के मध्य दिल्ली आईटीओ प्यारेलाल भवन में गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी एकेडमी द्वारा बाल उत्सव आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी लोक भाषा की उमंग बच्चों के संग। वहां नाटक आमा का जेवर मुझे देखने का अवसर मिला, तो आज की वीडियो उसी नाटक के इर्द गिर्द। भाषाविद रमेश दैसी की कहानी आमा के जेवर को मंच पर जीवित करने का बड़ा काम किया निर्देशक श्री के एन पांडे खिमदा ने, और उनके साथ सह निर्देशन में थी संगीता सोयाल। एक भरे पूरे परिवार की आमा को अपने जेवरों के प्रति बेहद मोह है। पति की मृत्यु के बाद परिवार में जेवरों के बंटवारे को लेकर बात उठती है, लेकिन आमा उसे नकार देती है। एक लंबी बीमारी के बाद आमा की मृत्यु हो जाती है और एक बार पुनः जेवर के बंटवारे की बात परिवार में उठने लगती है और विवाद होता है। तब विवाद इस बात पर सुलझता है कि जेवर सभी भाई बहनों के मध्य बराबर बांटे जाएंगे। कहानी के मंचन की, उसको जब हम नाट्य मंचन के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसका अपना एक कौतूहल है और उसकी चुनौतियां भी हैं। जब हम किस्सागोई को नाटकीय स्तर पर उतार लाते हैं तो उसके लिए एक बेहद कुशलता और अनुभव की आवश्यकता होती है। नाटक आमा के जेवर को कुमाऊनी लोक जीवन शैली की एक संपूर्ण यात्रा कहा जा सकता है। वहाँ पर वहाँ के तीज त्यौहार हैं, संस्कृति है, वेशभूषा है, वहाँ के लोक संगीत की हमें झलक मिलती है और साथ ही वहाँ के जीवन की जटिलता और चुनौतियों को भी दर्शक इस नाटक के माध्यम से जी पाता है।
नाटक के रोचक माध्यम के द्वारा बच्चों तक उनकी लोक भाषा को पहुंचाया जाना एक बेहद सफल प्रयोग कहा जा सकता है। साथ ही ये बच्चों में लोक साहित्य के प्रति अनुराग को भी पैदा करता है। इस तरह की प्रयासों की सदैव सराहना होनी चाहिए और स्वागत होना चाहिए। इस प्रकार गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकेडमी बधाई की पात्र है और वो सभी बच्चे जो इन प्रयासों के माध्यम से पहली बार मंच पर आए उन्हें सराहा जाना चाहिए। नाटक के सफल मंचन के लिए निर्देशक श्री के एन पांडे खिमदा और सह निर्देशक संगीता सुयाल और साथ ही कार्यशाला कोऑर्डिनेटर रंगमंच विशेषज्ञ राकेश शर्मा जी बधाई के पात्र हैं। ऐसी कोई कहानी ऐसी कोई किस्सा गोई लेकर मैं फिर हाजिर होंगी इस चैनल पर जिसका नाम है अल्मोड़ियास डायरी। विदा। और जीवन के रंगमंच पर ताउम्र हम उस कहानी को जीते हैं।